हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिताज किचन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो कि प्रोटीन रिच है एंड ये आपको वेट लॉस जर्नी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं मूंग और चना का चीला। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप मूंग और 1/2 कप चना, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। तो अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। मैं इसमें ऐड करूंगी 3 हरी मिर्चें, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी। तो मैंने अभी ऑलमोस्ट 1/2 ग्लास का पानी यूज़ किया है। मैं पानी बाद में भी यूज़ करूंगी बैटर का कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए। तो अब इसे मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब एक कंटेनर में मैं इस बैटर को खाली कर लेती हूँ। इस बैटर में मैं ऑलमोस्ट 1/2 कप पानी और डालूंगी एंड इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने 1 अनियन जिसे चॉप करके रखा था, तो मैं इसे यूज़ करूंगी। इसे मैंने डाल लिया, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद के अनुसार डालूंगी। एंड अब इसे मिक्स कर लेते हैं एंड 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, इसे मैं थोड़ा सा हीट करूंगी मीडियम फ्लेम पे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। सेंटर में मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ। मैं इसमें बैटर थोड़ा पोर करूंगी एंड इसे हल्का सा स्प्रेड करूंगी। सारे साइड से मैंने स्प्रेड कर दिया है एंड अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करेंगे, जब तक कि हमारा बेस वाला पार्ट पक ना जाए। तो ये ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स लगता है एक साइड कुक होने में एंड देन इसे पलट करके हम दूसरी साइड कुक कर लेंगे। तो एक चीला बनने में ऑलमोस्ट हमारा 6-7 मिनट्स लगा एंड अब इसे हम प्लेट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें।